मोटे अनाज को ग्रहण करने का चलन भारतवर्ष में शताब्दियों से रहा है। मोटे अनाज के सेवन से हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर्स हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। FSSAI की ओर से ईट राइट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम विगत वर्षों में चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम के तहत भी सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, आम जनमानस को, खरीददार को, इवन दुकानदार को भी हम लोग इन सब चीजों के बारे में जाकर बताते हैं। किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध हो, इसलिए गवर्नमेंट ने हमको सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी हमारे एपीओ को प्रदान किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी फसल किसानों के द्वारा उत्पादित हो, मंडियों तक पहुंचे, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बने, वो सभी प्रोडक्ट्स जो है शुद्ध हों, स्वच्छ हों और मिलावट से रहित हों। मिलेट की खेती करने से हमको दो प्रकार से फायदा हो सकता है। पहला तो इसका अच्छा बीज हम तैयार करें। बीज तैयार करने से उत्पादकता बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होने से रेट बढ़ेगा और रेट बढ़ेगा तो किसान आत्मनिर्भर होगा। जनपद में पहली बार सरकार ने बाजरे की खरीद की शुरुआत की है और हम लोगों ने 2517 MT खरीद किया है। ये बाजरे की खरीद, जिसमें 592 लाख रुपए का किसानों का भुगतान हुआ है। किसान इसको लेके बड़े उत्साहित हैं और संभव है कि अगले वर्ष जो है मोटे अनाज का उत्पादन और तेजी के साथ बढ़े। मक्का भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और बाजरा भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो मोटे अनाज का यहाँ बहुत ही भविष्य है और आने वाले समय में उम्मीद है कि एक अच्छा मार्केट कासगंज के आसपास इसको लेकर ये डेवलप होगा। जैसे मक्का की फसल होती है तो मक्का लेके आता है और मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा, नीलामी के द्वारा फिर उसको मक्का को विक्रय किया जाता है। हम लोग उसको क्रय करके और आगे जो जहाँ भी डिमांड होती है वहाँ भेजते हैं। अभी पशु आहार में आता है तो पशु आहार के हिसाब से कम रेट मिलता है हमारे किसानों को। जब ये हमारे खाने पीने में आएगा तो उससे किसान को लाभ रहेगा। आज की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनियां, जैसे बाजरे से बिस्कुट बन रही है, नूडल्स बन रहे हैं, केक बन रहे हैं, तो इन चीज़ों का अगर मार्केट तैयार हो रहा है धीरे धीरे, जैसे वो रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित है इसके जो हमारा मूल्य है इसमें बढ़ोतरी होगी। अब जब बढ़ोतरी होगी तो किसान को फायदा होगा। बाजरा की खेती हमारे जनपद में लगभग 39,000 हेक्टेयर में लास्ट ईयर हुई थी। इस वर्ष उसमें लगभग 2000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है और चूंकि ये वर्ष हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और इसके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो निसंदेह किसानों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। मोटे अनाज से कासगंज के, और न केवल कासगंज से बल्कि पूरे प्रदेश के और पूरे देश के किसान इससे आत्मनिर्भर होंगे और उनकी आय बढ़ेगी। इस वर्ष हमारे यहाँ से एक और योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित कराई जा रही है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हमें गंगा के किनारे वाले गाँवों में 34 क्लस्टर बनाए हैं हम लोगों ने और वो किसान प्राकृतिक खेती करेंगे। तो हमारे विभाग द्वारा जितने भी मेला गोष्ठी या जो भी प्लेटफॉर्म हम लोगों को उपलब्ध होते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को और आम जनता को हमारे जो मिलेट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में लोगों को अवेयर करें और वो अपनी डाइट में उसको शामिल करें। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रण है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो हम लोग इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से
मिलेट्स के साथ साथ जो दलहनी फसलें हैं, जैसे बाजरा में हम मूंग उर्द की आदि की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, तो किसानों को इससे डबल इनकम होगी और निश्चित रूप से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।